नमस्कार प्यारे साथियों, देखिएगा बिहार सिविल जज एग्ज़ाम जो है आप लोगों का जल्दी होने वाला है। जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। इसलिए जीके जीएस पेपर के लिए टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से पहली बार लाइव क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत टेस्ट सीरीज भी शामिल हैं, 12 टेस्ट सीरीज हैं, और कंटेंट भी आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में, और जो लेक्चर होंगे वो वर्बल होंगे, मतलब ओरली लेक्चर होंगे। ये जो क्लासेस होंगे, अगर स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो गूगल मीट पे होंगी, या अगर स्टूडेंट्स की संख्या कम रहती है तो फिर हम इसको करेंगे जूम ऐप पर, ठीक है। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है मोस्ट पॉसिबल है आपका जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका हो सकता है। जीके जीएस में हम सारी चीज़ें जानेंगे, कंप्लीट 150 मार्क्स का जीके जनरल नॉलेज का पेपर, जिसमें फुल फॉर्म, राजधानी और सारी चीज़ें, स्टैटिक पोर्शन, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, स्टैटिक चीज़ों, फेमस सेलिब्रिटी, फेमस स्थान, और जो लास्ट ईयर के पेपर का भी डिस्कशन करेंगे। साथ में जनरल साइंस में हिस्ट्री, जो जनरल साइंस की अगर बात करें तो जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को चर्चा करेंगे। साथ में डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन, जो साइंटिफिक रीज़न है वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और साथ में अन्य महत्वपूर्ण यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, इनके बारे में भी हम लोग तमाम चर्चा करेंगे, और ओरली उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और मेन फोकस होगा कि मेंस में कैसे लिखा जाए। तो आप लोग 7500110314 पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स होगा। बिहार एपीओ वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको, बिहार एपीओ और बिहार सिविल जज दोनों का जो सिलेबस है वो सेम ही है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ। बिहार सिविल जज में 2 पेपर हैं और एपीओ में 1 है, तो वो सिलेबस का सेम है, बस पैटर्न वो थोड़ा सा पेपर जो है एक ही कर दिया है वहाँ पे एपीओ में। तो दोनों कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं। 1 घंटे की क्लास होगी, लाइव क्लास, आप लोग इसे फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। बिहार सिविल जज जीके जीएस का और आपका बिहार एपीओ के लिए। थैंक यू।